राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मैं यूट्यूब चैनल सुनीता उपाध्याय 1976 में। आइए आप लोगों को मुंबई का सीलिंग जैसा सीन यहाँ दिखाते हैं। प्रयागराज बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत सुंदर लगता है। नैनी क्षेत्र में पड़ता है, यमुना जी के ऊपर जो पुल बना है, बहुत खूबसूरत पुल बना है, यमुना ब्रिज। बहुत ही खूबसूरत लगता है। हम तो जितनी बार आते जाते हैं इस पुल को बहुत ज़रूर ध्यान से देखते हैं, आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। और इसके बाद देखिए इधर पुराना ब्रिज है जो कि दिख नहीं रहा है, यमुना जी हैं। और इधर संगम क्षेत्र पड़ता है उधर आगे जाके, और मन कामेश्वर महादेव भी पड़ते हैं इसी रूट पर। और अब देखिए ये आ गया, बहुत ही खूबसूरत पुल लगता है। एक एक पिलर इसके, एक एक जो ये दिख रहे हैं पूरा खींचे हुए, इतने सुंदर लग रहे हैं। बस वाला आ जा रहा है बीच में ना, इससे थोड़ा खूबसूरत ये अब आ रहा है। इसके एक एक खंभे निकलते हैं तो इतना खूबसूरत लगता है जैसे झूला झूल रहे हों, जैसे जैसे खंबा पार होता है लगता है किसी गोल वाले झूले में हूँ। तो आप लोगों को हमारा प्रयागराज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी बहुत सारी चीजें अभी दिखा रहे हैं हम आपको, जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे दिखाएंगे। ये मदन मोहन मालवीय पार्क है, बहुत अच्छा अंदर है। खराब सड़कें हो गई हैं बारिश में, कब तक बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये एलओपी बाग चुंगी फ्लाईओवर है, शायद 2017 में बना था जब कुंभ वगैरह लगा था उसी टाइम पे या ऐसे कुछ है, और पहले बना था ये भी नहीं मुझे पता याद है। ये इधर का रास्ता निकलता है कटरा वगैरह के लिए, बालसन के लिए। ऐसे कई ब्रिज है प्रयागराज में, भगवा वाइट सफेद, भगवा सफेद। ये हमारा शास्त्री ब्रिज स्टार्ट हो रहा है, गंगा जी के ऊपर बना हुआ है ये शास्त्री ब्रिज, बहुत ही खूबसूरत ये भी पुल है। शास्त्री सेतु देखिए लिखा हुआ है। यहाँ की भी सड़कें इतनी खराब हो रखी हैं कि गाड़ी बाइक फोर व्हीलर टू व्हीलर सब चलाने में हालत खराब हो जाती है, बहुत संभाल संभाल के अगर ना चलाया जाए। अब देखिए इस पर सरकार की कब ध्यान जाता है, पब्लिक तो परेशान बहुत चल रही है इस सड़क से, खूब टूटा फूटा है। वह रेलवे मार्ग प्रयागराज और वाराणसी को जोड़ता है, और इधर संगम क्षेत्र पड़ता है। अच्छा झूसी असम। तो आप लोग ऐसे ही हमें प्यार दुलार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, मैं आप लोगों को कुछ न कुछ दृश्य दिखाती रहूंगी। हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत खूबसूरत चीज़ें हमारे प्रयागराज में, बस मैं पहुंच नहीं पा रही हूं, थोड़ा समय का अभाव पड़ रहा है, लेकिन जब जब हम जहां पहुंचेंगे आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। और यमुना ब्रिज तो वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है, हम जितनी बार भी आते जाते हैं देखते हैं। कभी कभी शाम को निकलिए, खास करके जब माघ मेला लगता है तो वहाँ की लाइटिंग जब शुरू होती है वो कभी दिखाएंगे, पहले माघ मेला लगने दीजिए, सर्दियों में लगता है
फिर इसके बाद हम आप लोगों को पुल दिखाएंगे। गंगा मैया जब भी आओ, गंगा मैया दर्शन होता रहता है, हर गंगे। एक और पुल बन रहा है, बाढ़ की वजह से रुक गया है। सभी पिलर वगैरह पड़ चुके थे, लेकिन इतना बाढ़ आया था कि सभी डूब गए थे एकदम से। दिखाया था हमने आपको पहले या दूसरे वीडियो में, दिखाया हुआ है बाढ़ की स्थिति। योग अनुसंधान भी दिखना स्टार्ट हो गया है। माघ मेले में तो इतना खतरनाक यहाँ जाम हो जाता है कि गाड़ी निकालने की हिम्मत ही नहीं होती है। छोटी गाड़ी चला लो वही बहुत रहता है, फोर व्हीलर। ये क्रिया योग अनुसंधान है योगी सत्यम जी का। अब झूसी क्षेत्र में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। किनारे किनारे सब्जी लगी रहती है। हाँ, यही नीचे से निकल जाएंगे, चूंकि वो जाम लगा रखा है। झूसी थाना अध्यक्ष महोदय की गाड़ी है। लाइटें कितनी अच्छी अच्छी लगी हैं अभी की लगी। हाँ, रोड बना रहे हैं। हाँ, रोड पूरी बन रही है, बंद कर दिया होंगे। हाँ, ये रोड पूरी बन रही है। जौनपुर गोरखपुर वाराणसी मार्ग, ये हमारे यहाँ की चार्जिंग बस है, इलेक्ट्रिक बस। इतना घूमने टहलने के बाद, थकने के बाद हम लोग भोजन करने बैठे हैं। भोजन में मिस्सी रोटी, हांडी पनीर और क्या है, तंदूरी रोटी। अभी हम आप लोगों को खा के भी दिखाते हैं, क्योंकि आदत है मेरी खा के दिखाने वाली है।